स्टूडेंट्स जो तीसरा पार्ट है वह है बृंद जी। बृंद जी का नाम रीतिकाल लीन परंपरा के अंतर्गत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति बृंद जी की जन्म व मृत्यु तिथि के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। बृंद जी कवि मेवाड़ में के रहने वाले थे, जोधपुर मेवाड़ के। इन्होंने काशी में जाकर भी संस्कृत पढ़ी। कहा जाता है कि यह कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे और उनके साथ औरंगजेब की फौज में ढाका में गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में हैं। ये जोधपुर में महाराज जसवंत सिंह के दरबार में भी रहे थे। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं बृंद सतसई, पवन पचीसी, हितापदेश, संधि, बचनिका, श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचाशिका। इनमें बृंद सतसई बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। इनके दोहों नीति के दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी जो भाषा है वह सरल है, लोकितियों का सुंदर प्रयोग किया है। इनका काव्य लोक नीति का सुंदर संग्रह है। तो हम इनके जो नीति जी के नीति के दोहे में से हम बृंद जी के दोहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसके इनके जो दोहे हैं उनकी जो अब हम कह रहे हैं कि संक्षेप में बता रहे हैं कि दोहों में बताया क्या गया है। नौवें दोहे में बृंद जी परिश्रम के महत्व के बारे में कहते हैं। लगातार मेहनत करने में से मूर्ख भी विद्वान हो सकता है। जिस तरह बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, कमज़ोर व्यक्ति भी लगातार मेहनत करके अपने लक्ष्य को पा सकता है। दसवें दोहे में बृंद जी छल और कपट के व्यवहार को थोड़ी देर चलने वाला ही मानते हैं। जिस तरह काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, उसी तरह धोखेबाज व्यक्ति एकाध बार तो चलाकी कर सकता है, लेकिन उसकी चलाकी बार बार नहीं चल पाती। ग्यारहवें दोहे में बृंद जी मीठे वचनों के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि जिस तरह उबल रहे दूध का उफान ठंडे जल के छींटे से दूर हो जाता है, उसी तरह ही गर्व या घमंड को मीठे वचनों से शांत किया जा सकता है। बारहवें दोहे में बृंद जी शिक्षा देते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी कम नहीं लेना चाहिए, जिससे बात बिगड़ जाती है। जैसे छोटा सा आगरा अंगारा तिनकों को बड़े समूह को जला सकता है, इसी प्रकार भी कह सकते हैं कि छात्र छात्राओं को अपने ध्येय को कभी कम में ना लेकर उसके लिए पूरी अर्थात युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होन सोत सुझान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। बृंद जी के दोहों में से ये जो पहला नौवां दोहा है, सॉरी इनका तो पहला ही है, मगर हम ऊपर की गिनती के बारे में बात कर रहे थे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुझान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। जैसे बार बार रस्सी को हम पत्थर पर घिसेंगे तब भी पत्थर पर भी निशान जो है पड़ जाते हैं। इसीलिए मेहनत करके मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, और परिश्रम करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने निशाने को, अपने उद्देश्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। फेर ना हवे है कपट सौ जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। प्रस्तुत दोहा बृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहों में से लिया गया है। कवि जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति छल कपट और चलाकी से अपना कार्य करता है तो उसकी चलाकी एक बार तो चल जाती है, परंतु बार बार नहीं चलती, जैसे हांडी काठ की
चढ़े ना दूजी बार। जैसे काठी है जो काठ की जो हांडी है, एक बार तो चढ़ जाती है परंतु दोबारा नहीं चढ़ सकती। छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता। मधुर वचन तय जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक सीत जल सौमिट जैसे दूध उफान। कवि जी कह रहे हैं कि मधुर वचनों अथवा मीठी वाणी के बोलों में से किसी भी अभिमानी व्यक्ति के गर्व को उसी प्रकार से शांत किया जा सकता है जैसे थोड़े से ठंडे पानी के छींटों से उबलते हुए दूध को उफान को कम कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम अपने गैस पर दूध रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से दूध जो है ऊपर आ जाता है और हमारे हाथ में जो भी जैसे पानी होता है, हम पानी के छींटे लगा दें तो दूध है जो बिल्कुल नीचे की तरह चल जाता है। इसी तरह ब्रेंद जी ने भी उदाहरण दिया है कि अगर किसी मनुष्य का स्वभाव है यो वो बुरा है, अगर हम उसके साथ मीठी वाणी से बोलें और किसी अहंकारी मनुष्य से जब बात करें तो मीठी बात वाणी में बात करें, तब वह व्यक्ति भी उसी प्रकार शांत हो सकता है जैसे दूध में, गर्म दूध में ठंडे पानी के छींटे काम करते हैं। अरे छोटो गनियो नहीं जो जाते होत बिगार, तृणा समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। कवि जी कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ या अपने से कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हानि हो जाती है। जिस प्रकार तिनकों के ढेर को आग का केवल एक अंगारा क्षण भर मीन्स सेकेंड में जलाकर नष्ट कर देता है, वैसे ही दुश्मन को कम समझने में से हमें हानि होती है। इसीलिए हमें अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी कार्य अथवा शत्रु को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। इसकी भाषा भी सहज सरल और भावपूर्ण है। तो हम पहले ये दोहे हैं जो सॉरी क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। इसके बाद रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। रहीम जी के अनुसार जो व्यक्ति मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय परोपकार अथवा दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है। अच्छे स्वभाव वाले और प्रकृति वालों का साथ शोभा देता है। एक जैसे स्वभाव और अच्छे स्वभाव वालों का। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया। बिहारी जी ने संदेश दिया है कि मनुष्य को निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए ब्रिंद जी ने क्या उदाहरण दिया है। ब्रिंद जी ने उदाहरण अनुसार जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार भी बार बार नहीं चल सकता। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन सकता है। ब्रिंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दी है। जैसे बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास से अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है। शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु को कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु के प्रति लापरवाही बहुत हानि पहुँचा सकती है। जैसे तिनकों के बड़े ढेर को आग का छोटा सा अंगार क्षण भर में जलाकर कर देता है। इसके बाद जो आपके सुप्रसंग व्याख्या, हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, ये आपको करनी है। और उसके बाद विपरीत शब्दार्थ, और इसके बाद हैं विशेषण और भाववाचक संज्ञा। ये ग्रामर पोर्शन और जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। और ये जो आपका अप्रैल मई का सिलेबस है उसमें से आपको जो मंथली टेस्ट होंगे उनमें से ज़रूर आएगा।